इस फिल्म की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं, जो कि वे में ही मौजूद किसी वैम्पायर को पकड़कर उसका ब्लड पी लेता है, जिस वजह से उस वैम्पायर की डेथ हो जाती है। पहले तो हमें ये लग रहा था कि ये क्रीचर या प्रजाति इंसानों की ही तरह वैम्पायर्स को पसंद नहीं करती है, जिस वजह से ही ये वैम्पायर्स को खत्म करके ह्यूमंस की प्रोटेक्शन कर रही है। मगर बाद में जब ये क्रीचर ह्यूमंस को भी मारने लगती है, तब हमें फील होता है कि ये क्रीचर्स तो वैम्पायर्स से भी कई ज्यादा पावरफुल और डेंजरस हैं, क्योंकि ये प्रजाति वैम्पायर्स के साथ साथ इंसानों का भी ब्लड पी जाया करती थी। खैर, सीन यहाँ से कट होकर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हम ब्लेड को नोटिस करते हैं, जो कि वैम्पायर्स पर अटैक करके उन्हें खत्म कर रहा था। इस दौरान उससे मुकाबला करने काफी सारे वैम्पायर्स आते हैं, मगर ब्लेड काफी ज्यादा पावरफुल था, इसी के चलते वो मुसलसर काफी सारे वैम्पायर्स को अटैक्स करके मार डालता है। बाद में वो एक वैम्पायर को पकड़कर उससे राब्ता करने की कोशिश करता है कि उन्होंने उसके फ्रेंड को कहां पर छिपाया है, और यहां इनकी बातों से हमें पता लगता है कि वैम्पायर्स पिछले पार्ट में ब्लेड के मरे हुए साथी को अपने साथ ले गए थे, जहां उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसे वापस से अलाइव कर दिया था। खैर, सारी बातें राब्ता होने के बाद ब्लेड उस प्लेस की तरफ जाने लगता है जहां वैम्पायर्स ने उसके साथी को रखा हुआ था। वहां जाकर वो एक डिवाइस को ब्रेक करके अपने साथी को बाहर निकाल लेता है, मगर वैम्पायर्स के साथ होने के कारण ब्लेड का साथी भी पूरी तरह से वैम्पायर में तब्दील हो गया था। इसी वजह से ब्लेड उसे अपने जैसे नॉर्मल ह्यूमन में बदलने के लिए उसकी बॉडी में किसी तरह का सीरम इंजेक्ट कर देता है, जिस वजह से ब्लेड का साथी आहिस्ता आहिस्ता सही होने लगता है, और कुछ देर के प्रोसेस के बाद वो फाइनली आधा ह्यूमन और आधा वैम्पायर बन जाता है। इसके बाद ब्लेड उसे लेकर उसी प्लेस पर आ जाता है जहां पर वो और उसका फ्रेंड काम किया करते थे। एड उसे बताता है कि उसकी डेथ के बाद वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, इसी के चलते उसने एक नए लड़के को यहाँ पर रख लिया है ताकि ब्लेड का पूरा काम उसके फ्रेंड की जगह वो लड़का संभाल सके। खैर, ब्लेड का फ्रेंड भी ब्लेड के नए साथी पर गुस्सा नहीं करता है, बल्कि वो दोनों तो साथ मिलकर काम करने लगते हैं। उसी नाइट को जब ये दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं, तब दो वैम्पायर्स चुपके से वहां पर आ जाते हैं और वो इन लोगों पर अटैक्स करने लगते हैं, जिस वजह से जवाब में ये भी इन पर काफी ज्यादा अटैक्स करते हैं, मगर वो इनसे काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिस वजह से वो ये वॉर हार जाते हैं। तब उन्हें डिफीट करने ब्लेड खुद इस फाइट में हिस्सा लेता है, मगर ब्लेड जैसे ही इस फाइट में हिस्सा लेता है, वैसे ही वो लोग लड़ने की बजाय अपने वेपन्स ही फेंक देते हैं और ब्लेड से हेल्प मांगने लगते हैं। वो बताते हैं कि उनके लीडर ने ही उन्हें तुम्हारे पास भेजा है ताकि तुम हम वैम्पायर्स की हेल्प करो। इसके बाद वो सारी चीजें राब्ता करते हैं कि कैसे वो क्रीचर वैम्पायर्स पर अटैक्स करके उनका ब्लड पी रहे हैं, जिस वजह से वैम्पायर्स पर काफी बड़ा खतरा आ गया है। इसी के चलते हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि वैम्पायर्स में सबसे पावरफुल तुम ही हो, मगर ब्लेड इस काम में उनकी हेल्प करने से इनकार कर देता है और उन्हें जाने का कहता है। मगर जब वैम्पायर उसे बताते हैं कि वो क्रीचर वैम्पायर्स के साथ साथ इंसानों को भी मार रहे हैं, तब ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो उनके लीडर के पास मिलने के लिए निकलता है। वहां आकर ब्लेड को काफी सारे वैम्पायर्स नजर आते हैं और साथ ही साथ लॉर्ड की डॉटर भी नजर आती है। खैर, बाद में पावरफुल वैम्पायर उन क्रीचर्स को खत्म करने के लिए उसे सबसे पावरफुल वैम्पायर प्रोवाइड कराता है, मगर ब्लेड उन्हें अपनी टीम में शामिल करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा वीक दिख रहे थे। तब लीडर ब्लेड की ये हरकत देखकर उसी का मजाक बनाने लगता है और कहता है कि उसे तो उस पर ही शक हो रहा है कि क्या वो अकेले ही वैम्पायर से लड़ सकता है या नहीं। तब उसकी ये बात ब्लेड को काफी ज्यादा खराब लगती है, इसी वजह से वो एक डिवाइस को उसके हेड पर लगा देता है जो कि उसी के इशारे से ही एक्सप्लोड हो सकता था। बाद में सबको राब्ता करता है कि अगर किसी भी वैम्पायर ने अगर उसकी बातों को या ऑर्डर्स को न माना तो वो उनके जिस्म में भी इस तरह के डिवाइस लगा देगा, जिससे वो जब चाहे तब उन वैम्पायर्स को खत्म कर सकता है। बाद में ब्लेड वैम्पायर्स की पूरी टीम और अपने साथियों के साथ वैम्पायर्स के क्लब में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ काफी सारे वैम्पायर्स थे
जिस वजह से ब्लेड को शक था कि वो क्रीचर ब्लड पीने के लिए यही पर ही अटैक करेंगे। ब्लेड के इतना कहने की ही देर थी कि वो क्रीचर वैम्पायर्स को मारने के लिए वहां पर आ जाता है और सबसे पहले वो लीडर की बेटी को चूज करता है। तब इतनी ही देर में ब्लेड उस पर अटैक करने लगता है, मगर अब क्योंकि वो लोग काफी पावरफुल थे, इसी वजह से ब्लेड के वेपन्स का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उल्टा जब वो क्रीचर किसी दूसरे वैम्पायर को बाइट करता था, तब वो वैम्पायर भी उसी क्रीचर में तब्दील होने लगता था। वही ब्लेड के एक साथी पर भी वो क्रीचर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर गलती से ब्लेड का साथी यूवी लाइट को ऑन कर देता है, जिस वजह से उस क्रीचर पर इसका काफी ज्यादा असर होने लगता है और देखते ही देखते वो क्रीचर मारा जाता है। ये बात बाद में जब ब्लेड का साथी उसे बताता है, तब ब्लेड काफी ज्यादा हैप्पी होता है क्योंकि फाइनली उसे ऐसा तरीका मिल गया था जिससे वो उन क्रीचर्स को खत्म कर सकते थे। बाद में ब्लेड इस क्रीचर के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उसे लैब में ले आते हैं, जहां वो उसकी बॉडी को कई जगह से ओपन करते हैं और रिसर्च करने की कोशिश करने लगते हैं। तब ब्लेड को पता लगता है कि अगर इस क्रीचर्स के चेस्ट पर यूवी लाइट डाली जाती है, तब ये लाइट और भी तेजी से अपना काम शुरू करेगी, जिससे ये क्रीचर और भी जल्दी खत्म हो सकते हैं। इसी वजह से ब्लेड अपने साथियों के सामने एक ऐसी डिवाइस को पेश करता है जिसमें काफी सारी मल्टीपल और काफी स्ट्रॉन्ग यूवी लाइट्स निकल सकती थी, जिससे वो लाइट मल्टीपल क्रीचर पर पड़ सकती थी, जिससे मल्टीपल क्रीचर्स मारे जा सकते थे, यानी एक साथ कई सारे वैम्पायर्स मारे जा सकते थे। खैर बाद में ब्लेड अपने साथियों और वैम्पायर्स के साथ उस प्लेस पर जाने लगता है जहां पर वो क्रीचर्स रहा करते थे। वहां आकर ब्लेड उन पर एक एक करके अटैक्स करने लगता है। उन क्रीचर्स की तादाद काफी ज्यादा थी, इसी वजह से वो लोग मुसलसर अटैक्स करते जा रहे थे, मगर उन क्रीचर्स की तादाद काफी ज्यादा थी, इसी वजह से इतने अटैक्स के बावजूद भी वो क्रीचर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी के चलते ब्लेड सारे लोगों से उस डिवाइस को ऑन करने का कहता है, ताकि वो उस डिवाइस की हेल्प से एक साथ काफी सारे क्रीचर्स को खत्म कर सके, जिस वजह से सारे लोग ब्लेड की बात मानते हुए उस डिवाइस को ऑन कर देते हैं, जिस वजह से उसमें से काफी ज्यादा यूवी लाइट्स निकलने लगती हैं। इतनी ज्यादा लार्ज और पावरफुल लाइट को वो क्रीचर बियर नहीं कर पाते हैं और मारे जाते हैं। इन सबके दौरान जब ब्लेड की नजर लीडर की बेटी पर पड़ती है, तब वो नोटिस करता है कि इन सब में लीडर की बेटी को काफी ज्यादा चोटें आई हैं और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई है। इसी वजह से उसे वापस से सही करने के लिए ब्लेड उसे अपना ही खून पिलाने लगता है, जिस वजह से लीडर की बेटी तुरंत ही होश में आ जाती है और अब वो बेटर महसूस कर रही थी। मगर तब तक उन क्रीचर्स का साथी भी वहां पर आ जाता है और वो ब्लेड को बेहोश कर देता है। बाद में जब ब्लेड की आंख खुलती है, तब वो खुद को दूसरी प्लेस पर नोटिस करता है। वहां पर वो अपने साथी को देखता है। बाद में उसका वो साथी उसे बताता है कि वो वैम्पायर्स के साथ ही मिला हुआ है, वो तो बस उसकी टीम में रहकर उसकी जासूसी कर रहा था। बाद में वो ब्लेड को बताता है कि असल में वो क्रीचर कोई और नहीं बल्कि वैम्पायर्स के लीडर ही हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग क्रीचर्स बनाना चाहते थे और उनका ये रूप भी उन्हीं के ही फेल एक्सपेरिमेंट का ही नतीजा है। बाद में वो बताता है कि वो क्रीचर एक नए तरीके का क्रीचर बनाना चाहता था, जिसके लिए उसे तुम्हारे ब्लड की जरूरत थी, इसी वजह से ही उसने मुझे तुम्हारे साथ काम करने का कहा था, ताकि मौका देखकर मैं तुम्हारा ब्लड निकाल सकूं। इधर लीडर की बेटी को भी सारी बातें पता चल जाती हैं कि ये सब उसके डैड ने ही किया है, इसी वजह से वो गुस्से में वहां से निकल जाती है। वही ब्लेड गुस्से में उस साथी को मार डालता है, मगर बाद में लीडर ब्लेड का ब्लड निकाल लेते हैं, मगर तब तक उसका साथी भी वहां पर आ जाता है, जो कि उसे ब्लड से भरे पूल में फेंक देता है, जिस वजह से ब्लेड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो सबको मारने लगता है। इधर लीडर का बेटा अपने ही डैड को मार डालता है, जिसके बाद वो उस लेडी यानी अपनी बहन को भी खत्म कर देता है। बाद में ब्लेड उसके सामने आ जाता है, जिस वजह से उनमें ये वॉर होता है, मगर ये वॉर जीत जाता है और मूवी यही एंड हो जाती है।